After two incidents, innocent lives were lost in an alleged caste feud in Faridabad. The Home Ministry has now sought a report from the Haryana government. The horrific incident took place on Tuesday morning in Sonpet village in the outskirts of Delhi, when the attackers poured petrol on a house and set it ablaze while the Dalit family was still asleep inside. The parents survived and the children charred to death. The family alleges the incident was a result of a long-standing feud and that enough warning was given to authorities. And even as mother of the deceased children, Rekha, is battling for life in a hospital, the beleaguered family has demanded a CBI probe into the incident. जो भ्रष्ट ऑफिसर है वो सब सस्पेंड होने चाहिए और उन्हें कड़ी कड़ी सजा होनी चाहिए उनके लिए अभी और किस तरह की सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए इसमें सब री इंक्वायरी होनी चाहिए कौन दोषी है उसको कड़ी तक कड़ी सजा दी जा रही है सब री इंक्वायरी लगा दो यहाँ पे बड़ी दुखद घटना हुई है ये और इस गांव में ये इस टाइप की दूसरी घटना है ऐसी अनफॉर्चुनेट घटना पिछले साल भी हुई थी जिसमें 3 लोग मारे गए थे और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जैसे परिवार के लोगों ने सूचित किया है लिखवाया केस दर्ज कराया है उसके हिसाब से उनके दोनों घटनाएं मिली हुई हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है Well, even as the bereaved Dalit family is trying to come to terms with their loss, politics is peaking over the killings. CPM leader Brinda Karat met the family today and Congress Vice President Rahul Gandhi is also on his way to meet the bereaved family. Last evening, former Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda met the bereaved family and his visit was followed by BJP leader Udit Raj, who also met the family. Prashasan ki isme puri asafalta hai. पुलिस क्या कर रही थी अभी आज सारी पुलिस यहाँ खड़ी है उस रात को जब बार बार जितेंद्र ने अभी हमें बताया कि हम बार बार उनको बोल रहे थे कि हमें लग रहा है कि हमला होने वाला है लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रशासन को जो इंतजाम करना था वो बिल्कुल सब गायब थे सब गायब थे उन्होंने पूछा कि कहाँ थे जो हमारे सिक्योरिटी में थे वो सब जागरण देखने गए थे तो वो जागरण देख रहे थे और उसी समय इन लोगों ने आके ये कांड किया इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के बयान का इंतजार कर रहा हूं सहिष्णुता टॉलरेंस जिस बारे में कल मैंने बड़े बड़े नेताओं की बात सुनी है हम भी उसके ऊपर विचार कर रहे हैं लेकिन हरियाणा में भी जो हो रहा है वो भी कोई सहिष्णुता का और सामाजिक न्याय का प्रकार नहीं है हर राज्य में कुछ ना कुछ होता है लेकिन इस प्रकार की घटना जातीय घटना विद्वेष की घटना हमारे देश को तोड़ देगी शॉकिंग इंडीड व्हाइल द क्वेश्चन ऑफ दलित रिजर्वेशन इज बीइंग क्वेश्चन्ड बट नाउ द लाइफ एंड लिंब ऑफ अ दलित ही इज बीइंग टर्मिनेटेड इज दिस एक्सेप्टेबल इन गांधीजी'स कंट्री Freedom of expression gone, freedom of life is under question mark, reservation is under question mark. What kind of 16 months has Modi ji given us? सरकार की तरफ हमारी यही मांग है कि भाई हरियाणा में जगह जगह पर दलित पर अत्याचार हो रहे गोहाना हो जज्जर हो जगह जगह पर दलित कांड दलित पर हमले हो रहे हैं और इसीलिए जो नई सरकार आई है बीजेपी की उन्होंने दलितों की सुरक्षा करने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए पहले भी यहाँ पर आक्रमण हुआ और 5 अक्टूबर को इन्होंने थाने में लिख के दिया भी था और पुलिस हमेशा यही कहती रही कि गाली अगर इनको दी जाती थी तो कहते थे कि क्या हो गया उससे और ये सबसे ज्यादा दोषी पुलिस कमिश्नर को मान रहे हैं और पुलिस कमिश्नर को तत्काल प्रभार से हटाया जाना चाहिए और जिन 6 लोगों की पोस्टिंग यहाँ की गई थी इनके रखवाली के लिए दो दो का इन्होंने वो बनाया होगा ग्रुप बनाया होगा हर 8 घंटे के अंदर जो चेंज ओवर होता है वो कहाँ चले गए थे इस तरीके का धर्म के आधार पर जाति के आधार पर इस तरह की जातियाँ ये इस प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ कि कई गुना पहले से ज्यादा बड़ी हैं
और सैकड़ों इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई कंट्रोल में स्थिति नहीं है। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई गई है, और जिन लोगों को सरकार का संरक्षण मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, आज वही सबसे ज्यादा दुखी है।